नमस्कार, असम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मालवी शर्मा। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, आज संसार में जीवन मरण ये सब आम बात है। लेकिन और कई बार आपने देखा होगा कि लोग अमृत के लोभ में कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसी ही आज हम एक बात करेंगे एक दोस्त की, जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर नाम का ये व्यक्ति जो अमृत की तलाश में काफ़ी सालों से घूम रहा था और आखिरकार उसे उस काम में सफलता भी मिली। वो एक दिन एक गुफा में गया। उस गुफा में अमृत का कलकल छिड़क रहा था, कलकल बह भी रहा था। तभी उसने सोचा कि मैं अमृत पी के अमर हो जाऊंगा, ताकि मुझे दुनिया की कोई भी बीमारी, कोई भी एक्सीडेंट मुझे मार नहीं सकेंगे, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। जैसे ही वो उस अमृत पीने जा ही रहा था कि उसे एक कौए ने बोला, रुक जा, तू ये अमृत मत पी। तब सिकंदर ने उसका जवाब दिया कि मैं अमृत पी रहा हूँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, और तू मुझे रोकने वाला होता कौन है, इस अमृत की तलाश मैंने की है। उस कौए ने बोला कि मेरी हालत तो देख, मैं अंधा हो चुका हूँ, पंख मेरे झड़ गए और अब तो मेरे पास उड़ने के भी रास्ते नहीं हैं, तो मैं इसलिए मर भी नहीं सकता। मैंने अमृत जो पी लिया था, अब तो मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि काश मैं मर जाऊँ, मेरी मौत आ जाए, वो भी नहीं हो रहा। अगर फिर भी तुझे अमृत पीना है तो तू ये पी सकता है। इसके बाद सिकंदर ने वो अमृत नहीं पिया, चुपचाप गुफा से चला गया। ये थी असम न्यूज़ की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको मेरी न्यूज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस देख पाएंगे।